हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊ तेरा मास्टर चैनल पर। तो भाई, आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम आपको केवीएस पीआरटी या फिर जो भी पीआरटी एग्ज़ाम है, आइदर इट बी केएस केवीएस या फिर वो DSSS भी हो या फिर वो कोई अदर स्टेट का पीआरटी एग्ज़ाम हो, हमें पता है कि पीआरटी एग्ज़ाम में जो पेपर वन है और पेपर टू, दो हमारे पेपर रहते हैं यहाँ पे। एंड पेपर वन तो जो है पूरा हमारा जर्नल रहता है जिसको हर कोई कवर कर लेता है और उसके लिए बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाता है। लेकिन बात जब आती है पेपर टू की, पेपर टू की बात जब हम करते हैं तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जो एक्सक्लूसिवली हाईली रिकमेंडेड जो कंटेंट हमारा रहता है वो है NIOS का जो DLED का फुल कोर्स है। अब भाई उस कंटेंट को ज्यादातर क्या उसको कोई भी कवर नहीं कर पाता या फिर YouTube वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उसको कवर नहीं किया गया मोस्टली। तो आज हम आपके साथ इस सीरीज में आज से ही हर वो मॉड्यूल, हर वो टॉपिक जो NIOS की हमारी कंटेंट जो मॉड्यूल्स दिए हुए हैं ब्लॉक की फॉर्म में, आप सभी को पता होगा 501 502 503 करके ऐसे इन्होंने 10 ब्लॉक्स यहाँ पे दे रखे हैं और उन ब्लॉक्स में कुछ यूनिट्स हैं, किसी में 4 यूनिट हैं, किसी में 5 यूनिट हैं, तो उनको हम यहाँ पे बायलिंगुअली डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई आप इस सीरीज को उन सभी कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं जो भी KVS या DSSS या फिर अनदर किसी PRT जो स्टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देर किए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो फर्स्ट हमारी यूनिट रहेगी। क्या है भाई फर्स्ट यूनिट का नाम? इंडियन एजुकेशन सिस्टम और इसका पार्ट वन हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। अब मेथड इसमें क्या रहेगा हमारा, क्योंकि ये इतने बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर इट इन द अपकमिंग, हम कोशिश करेंगे कि जब तक हमारा KVS PRT का एग्जाम हो रहा है तब तक हम इनको पूरा क्या कर ले, कवर कर ले। तो भाई मेथड क्या रहेगा, मेथड हमारा ये रहेगा कि मैंने इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट्स इन दिस सीरीज। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ही लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो हमें बता रहा है, क्या? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज UEE। क्या है भाई फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? UEE। UEE means यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, दैट मींस यहाँ पे शिक्षा का क्या कर दिया गया, सार्वजनिकरण कर दिया गया। तो भाई UEE अगर हमारी फुल फॉर्म आती है तो हम उसका क्या लिखेंगे, जवाब हम उसका क्या देंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वजनिकरण किया है किसका, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है उसका, एलिमेंट्री एजुकेशन का। भाई जो UEE है वो मतलब इसका जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसका यूनिवर्सलाइजेशन करने का ये जो आइडिया था ये कहाँ से हमें मिला, MDG से। कहाँ से मिला भाई? MDG से ये आइडिया मिला, दैट मीन्स मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये कुछ गोल सेट किए गए थे, ठीक है, और इन गोल्स के तहत क्या था कि भाई यहाँ पे जो हम 15 इयर्स में इस UEE को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और ये जो पूरे गोल्स सारे जो हमारे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे जिसमें काफी सारी कंट्रीज ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया भी इसका क्या था, एक पार्टिसिपेंट था भाई। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि भाई जो UEE है उसको हमने अपनाने के लिए, मतलब शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए, यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए हमने SSA, RTE, DPEP एंड NAEP जैसे काफी सारे प्रोग्राम, यहाँ पे काफी सारे नेशनल इनिशिएटिव जो है वो लिए गए थे सरकार द्वारा, ठीक है भाई। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले फर्दर मॉड्यूल्स में, फर्दर यूनिट्स में। अब हम देख लेते हैं कि भाई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर, या फिर हम बात करें कि भाई किस प्रकार से जो हमारे एंशियंट इंडियन जो सोसाइटी थी उसमें एजुकेशन किस प्रकार से दी जाती थी और वहां पे टीचर का और स्टूडेंट का कैसा रोल होता था। आज तो हमें पता है कि भाई हम NCF 2005 को फॉलो कर रहे हैं, तो जो टीचर है एज अ फैसिलिटेटर और जो लर्नर है उसको लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन दी जा रही है आज तो, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे हम बात करेंगे एंशियंट टाइम से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड तक की, हम इस यूनिट में जो है
डिस्कशन करेंगे। दैट मींस इस पीरियड के दौरान एंशिएंट टाइम से लेकर और प्री इंडिपेंडेंस तक यानी आजादी के पहले के समय तक कौन कौन से कमीशन आए, कैसे हमारी शिक्षा प्रणाली चली, उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी हमें, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या कहता है कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना इज एम्बेडेड इन इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। बिल्कुल, जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो कल्चर है ना, जो हमारी हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है हमारी, बहुत ज्यादा क्या है, रिच है। क्यों है भाई रिच? क्योंकि हमारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस होने के कारण वहाँ पे अलग अलग तरह के फूड, अलग अलग तरह के जो है हम कह सकते हैं क्लोदिंग है, डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस है, डिफरेंट टाइप के फोक जो कल्चर्स हैं, तो इसके कारण जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी हमारे जो कल्चरल हेरिटेज का यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अ पावरफुल टूल ऑफ जो हमारा कल्चर है ना, वो क्या है, एक पावरफुल टूल है, या फिर जो एजुकेशन हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन जो सिस्टम था वो एक पावरफुल टूल था उस टाइम पे भी सोशल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का। और भाई आज भी जो एजुकेशन है वो एक टूल है, वो एक माध्यम है, बहुत ही बेहतर माध्यम है सोशल रिकंस्ट्रक्शन का, यानी समाज को, जो सोसाइटी को एक दिशा दिखाता है, एक राह दिखाता है। बिल्कुल, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे एक टर्म आती है वो क्या है, आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी जो हमारी आईटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी हेल्प से हम कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं और कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसको हम कैसे एजुकेशन में हमारा इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल, अब भाई बात कर लेते हैं क्या कि एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा रहा होगा उस टाइम पे, क्या क्या चीजें थी। ठीक है भाई, अब देखो क्या कहता है कि आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी, ज्यादा बुक्स या ज्यादा सोर्सेज नहीं मिलेंगे जो आपको डिस्क्राइब कर रहे होंगे एजुकेशनल थियोरीज एंड उस टाइम की प्रैक्टिसेस के बारे में जो बताएंगी, लेकिन फिर भी हमें कुछ जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं। जो मेन फीचर था किसका भाई, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन का, आर फाउंड इन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में मिलता है। और कौन से हैं ये एंशिएंट स्क्रिप्चर्स? ये हैं सूत्रास एंड स्मृतिस। बिल्कुल भाई, हिंदी में भी इनको सूत्र और स्मृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूत्र और स्मृति। इनमें हमारा एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, ये क्या है, जो हमारे पुराने टाइम के, बोल देते हैं ना कि वेद पुराण पुराने टाइम की बुक्स होती हैं, तो वो स्क्रिप्चर्स हैं ये सूत्रास एंड स्मृतिस, जिनमें यहाँ पे सेकेंडरी और जो हायर एजुकेशन है उनके क्या दिए हुए हैं, कुछ फीचर्स डिस्कस किए हुए हैं, तो उसके बेसिस पे ये हमें क्या देगा, फर्दर इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब कोई सेपरेट डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है किसकी, प्राइमरी एजुकेशन की। यहाँ से हमें क्या जानने को मिला कि भाई प्राइमरी एजुकेशन एक्सक्लूसिवली एक सेपरेट जो सेटिंग थी उसमें ये नहीं दी जाती थी। ठीक है, अब जो एजुकेशन है भाई उसको एक प्रोसेस माना जाता था, किसके लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, और एजुकेशन को माना जाता था कि ये भाई क्या है, इट वॉज अ प्रिपरेटरी टू लाइफ, यानी आगे जो जीवन व्यतीत करने के लिए एक एक तरह से हमारा क्या है, ये प्रिपरेशन है। ठीक है, नॉलेज वॉज कंसिडर्ड एज द थर्ड आई, नॉलेज को क्या मतलब, नॉलेज जो ज्ञान है उसको हम तीसरा नेत्र कहते थे। ठीक है, अब भाई एक और बात समझने की जरूरत है कि क्यों मैं इतना लाइन टू लाइन यहाँ चीजों को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। लाइन टू लाइन इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, आप खोल कर देखना पीआरटी के DSSB के 2022 वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो देख लेना सारी शिफ्ट्स का, उसके बाद 19 का देख लेना, 18 का देख लेना, KVS का देख लेना, जहां पे भी आपको पेडागोजी देखने को मिलती है पीआरटी में, वहां पे जो हमारे डीएलएड के आईएनएस जो एनआईओएस के ये वाले पूरे मॉड्यूल्स है, इनसे पूरी लाइन की लाइन उठा के जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो हम किसी भी लाइन को नहीं छोड़ेंगे भाई, मतलब हम किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट करने से चूकेंगे नहीं, बिल्कुल, अगर हम लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट में क्या कहता है कि एजुकेशन को कंसिडर किया जाता था एज अ रूट ऑफ ऑल ह्यूमन हैप्पीनेस, मतलब उस टाइम की बात बताई जा रही है कि भाई जो एजुकेशन है ना उसको माध्यम माना जाता था कि भाई अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको फेम मिलेगा, आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी, और आपको सबसे बड़ी बात है कि क्या मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। मतलब अल्टीमेटली एजुकेशन को माध्यम मान लेते हैं, सोर्स मान लेते हैं, ये किसका, सॉल्वेशन का, या फिर मुक्ति का जो है यहाँ पे सोर्स माना जाता था एजुकेशन को। अब भाई देखो जो हमारा
भर्तिहारी है, इन नीति हमारा नीतीश टका में उन्होंने क्या बोला है कि भाई विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट, यानी जो शिक्षा है उसके बिना इंसान इंसान नहीं है, वो क्या है, जानवर है। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। देखो ये वही सारी चीजें हैं कि थर्ड आई की तरह, ठीक है, और जो हमारी एजुकेशन है वो लिबरेट करती है हमें, यानी एक तरह से हमारे दिमाग को वो खोलती है, और बिना एजुकेशन के लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं मिलती। अब देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या कि जो एजुकेशन है जब वो स्टार्ट की जाती थी तो बच्चे का, या फिर चाहे वो लड़का हो या जो लड़की है, उनका क्या किया जाता था, उपनयन संस्कार किया जाता था। क्या किया जाता था भाई, उपनयन संस्कार यहाँ पे किया जाता था। फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वर एंटाइटल्ड फॉर एजुकेशन। तो अगर आपसे पूछे कि एंशियंट इंडिया में, एंशियंट टाइम्स में क्या गर्ल्स को यहाँ पे या बॉयज जो है क्या दोनों को यहाँ पे एजुकेशन का लेने की जो अनुमति थी, बिल्कुल थी भाई, शिक्षा की अनुमति सबको थी। और इनका क्या किया जाता था, स्टार्टिंग में उपनयन संस्कार किया जाता था। अब जो गर्ल्स एजुकेशन, जो गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती थी उसके कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई हिस्ट्री में कुछ स्कॉलरली विमेन मिलती हैं यहाँ पे, जैसे कि गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी, इन जैसी जो है स्कॉलरली विमेन का जिक्र है। दैट मीन्स ये भी क्या है, एजुकेशन ग्रहण करने के लिए जो लड़कियां हैं उनको भी क्या थी, अनुमति थी। लोअर लेवल की जो एजुकेशन थी उसको हम अपनी डे टू डे लाइफ या फिर जो डे टू डे एक्टिविटीज हम करते हैं, सोशल इंटरेक्शन हम करते हैं, मतलब लोअर एजुकेशन में हमें वो सिखाया जाता था। और हायर एजुकेशन में यहाँ पे देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हायर एजुकेशन में क्या क्या सिखाया जाता था, ग्रामर की स्टडी कराई जाती थी, फिर हिस्ट्री और मैथोलॉजी हमें पढ़ाई जाती थी, मैथमेटिक्स, वेदास, लॉजिक, पॉलिटी, साइंसेज एंड वॉर एंड वर्शिप या फिर फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नेक्स्ट चीज, आई थिंक अब आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा भाई एक दो दिन में ये पूरी सेटिंग से मैं जो है फैमिलियर हो जाऊंगी। देखो फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि एजुकेशन जो हमारी एजुकेशनल जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती थी उसको हमने यहाँ पे फोर स्टेजेस में क्या कर रखा था, उस टाइम पे डिवाइड कर रखा था। जो फर्स्ट स्टेज होती थी वो ब्रह्मचर्य आश्रम की होती थी। किसकी, ब्रह्मचर्य आश्रम की। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग कि भाई जो लर्नर है वो सेलिबेसी ऑब्जर्व करता था, ठीक है, यानी ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी क्या होता है, ब्रह्मचर्य वो अपनाता था। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती थी वो आती थी गृहस्थ आश्रम की, यानी मैरिड लाइफ की, ठीक है। अब मैरिड लाइफ हो गई भाई उसकी, फिर उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम, यानी कि फिर वो वनों में चला जाएगा और अपनी जो है पूरे जो भी उसकी डे टू डे एक्टिविटीज थी यहाँ पे मैरिड लाइफ में, उनसे वो क्या कर लेगा, रिटायरमेंट ले लेगा। एंड देन लास्ट जो हमारी स्टेज आती है वो संन्यास आश्रम की, यानी रिनन्सिएशन की आती है। बिल्कुल भाई, तो ये चार स्टेजेस थी हमारी एंशियंट जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, यानी वन में चला गया, ठीक है, वन में प्रस्थान कर गया। उसके बाद है संन्यास आश्रम। इतनी हिंदी और इतनी संस्कृत तो हम सभी को आती ही है। देखिए भाई अब यहाँ पे जो एजुकेशन है उसमें किन किन चीजों पे फोकस किया जाता था, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस किया जाता था, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस किया जाता था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, सिविक सेंस पे फोकस करेंगे, यानी जो हमारी राजनीति वगैरह है इन सारी चीजों पे, ठीक है। और भाई हमारे जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और प्रोपेगेट करने के लिए भी यहाँ पे हमारे जो एम्स हैं एजुकेशन के वो रहते थे, ठीक है। तो भाई ये सारे क्या है, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन थे ये जो ऊपर हमने स्टडी किए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आज के एजुकेशन सिस्टम से बहुत ज्यादा डिफरेंट थी प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम में, वो क्या है भाई कि स्टूडेंट को यहाँ पे आजादी थी कि वो अपने सब्जेक्ट को क्या कर सकता है, चूज कर सकता है, और साथ ही साथ वो अपने टीचर को भी क्या कर सकता था, अपने गुरु को भी वो चूज कर सकता था, ठीक है भाई। तो देखिए अब बच्चे में यहाँ पे क्या सिखाया जाता था स्टूडेंट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लर्निंग ऑफ सेल्फ रिस्ट्रेंट, यानी अपनी जो ऐसी इच्छाएं हैं जो समाज के लिए क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, समाज उनको अच्छी नहीं मानता है, तो उन पे क्या करना है, रिस्ट्रेंट लगाना है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमारा मन हमें बोलने कहने को करता है लेकिन क्या है, उनपे रिस्ट्रेंट लगाना है, यानी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे सिखाया जाता था।
ठीक है। अब भाई एजुकेशन वैसे तो दोनों तरह से यहाँ पे होती थी कि भाई प्रैक्टिकल बेसिस भी होगा कि प्रैक्टिकली चीजों परफॉर्म करके भी बच्चों को सिखाया जाएगा, और दूसरी जो टाइप की एजुकेशन वो रहेगी मैकेनिकल, यानी यहाँ पे भी रोट लर्निंग थी। ठीक है, मैकेनिकल यानी एक चीज को बिना सोचे समझे उस प्रोसेस को रिपीट करते जाना। जैसे कि अब क्या कहता है कि एजुकेशन है ना उन स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल थी जिनको यहाँ पे मेमोरी बेस्ड एजुकेशन दी जाती थी। और मेमोरी बेस्ड एजुकेशन किनको दी जाती थी भाई, जो बच्चे क्या पढ़ते थे, वेदास पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? वेदास पढ़ते थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में वेदों को लिखा नहीं गया था, वेदों को क्या किया जाता था, ट्रांजैक्ट किया जाता था, यानी बोलने के माध्यम से ही। जैसे हमारे कोई बड़े हैं उन्होंने हमारे पेरेंट्स को सिखा दिया, पेरेंट्स ने फिर अपनी जनरेशन आगे आने वाले बच्चों को सिखा दिया, फिर हमने अपने बच्चों को सिखा दिया, कैसे? वर्बली, बोलकर। तो भाई यहाँ पे वही बात बता रहा है कि देवर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व एंड ट्रांसमिट फॉर जनरेशंस, कि जनरेशन टू जनरेशन इसको ट्रांसमिट किया जाता था और यहाँ पे इनको याद रखा जाता था, बस रोट मेमोरी के, यहाँ से रोट मेमोरी के माध्यम से याद रखा जाता था। ठीक है, एज देर वर नो मीन्स अवेलेबल फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज लाइक पेपर और प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें वहां पे अभी तक जो है हमने डेवलप नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए इसको वर्बली ही, बोलकर ही ट्रांजेक्ट किया जाता था। ठीक है भाई, तो जो एजुकेशन है उसको लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस माना जाता था। किसके लिए? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। किसके लिए भाई? सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए लाइफ लॉन्ग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसको माना जाता था। तो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या है। अब देखिए भाई, जो गुरु है, जो टीचर है, उसको क्या बोला जाता था? गुरु बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गुरु बोला जाता था। अब गुरु का कॉन्सेप्ट क्या है पूरा ये समझ लेते हैं। एंशियंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम होता था। सबसे पहली बात आपसे ये पूछेगा, आपसे चार ऑप्शन देकर ये पूछा जाएगा कि कैसा सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम होता था, बोर्डिंग सिस्टम होता था, या फिर स्कूल सिस्टम होता था, यूनिवर्सिटी सिस्टम होता था। ये सारी चीजें आपसे ऑप्शंस में दे दी जाएंगी और आप वहां पे क्या मार्क करेंगे, इसको गुरुकुल सिस्टम मार्क करेंगे। ठीक है भाई, अब गुरुकुल क्या था? गुरुकुल था यानी गुरु का आश्रम। गुरु का आश्रम वॉज अ काइंड ऑफ बोर्डिंग स्कूल। ये एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होता था। हम सभी ने रामायण देखी है, हम सभी ने बहुत ही अच्छे से महाभारत वगैरह ये सारी जो है हमारी देखे हमने, तो इनमें हमें पता है कि राम जी और जो उनके चारों तीनों भाई थे वो सब कहाँ गए थे? गुरुकुल में गए थे, और वो वहीं पे रहते थे। मतलब एक तरह का बोर्डिंग स्कूल होता था। तो क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिचनेस और हायर स्टेटस लिव टुगेदर। बच्चे जो है भाई यहाँ पे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो सुदामा है, लेकिन क्या रहते थे यहाँ पे? एक साथ रहते थे बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो राजा का बच्चा है, या फिर चाहे वो राजकुमार है, या फिर कोई जो है किसी भी अदर क्लास से वो आ रहा है, किसी पुअर क्लास से वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बिना भेदभाव के बच्चे क्या रहते थे? आपस में मिलजुल कर रहते थे। एवरीवन हैड टू बेग एल्म्स। यहाँ पे सबको क्या करना पड़ता था भाई? जैसे हमने सबने देखा है कि छोटे छोटे भिक्षुक होते हैं जो गुरुकुल से क्या करने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं, ताकि उनको यहाँ पे सोसाइटी के प्रति एक डेटनेस की भावना, मतलब सोसाइटी की उनका, मतलब सोसाइटी दान करके उनको खाना खिला रही है उसके प्रति एक भावना जो जगाने के लिए है ना, एक हेल्पफुल उनका माइंडसेट बनाने के लिए कि भाई हाँ सोसाइटी हमें सपोर्ट कर रही है तो हमें भी आगे जाके सोसाइटी को क्या करना है, सपोर्ट करना है। वो चीज को उनमें डेवलप करने के लिए यहाँ पे हर एक जो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट होता था उसको क्या मांगनी पड़ती थी? भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे? माधुकरी। क्या कहते थे भाई? माधुकरी कहते थे। क्या कहते थे? माधुकरी। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब देखिए भाई, जो गुरु है ना वो हेड होता था किसका? गुरुकुल का। एक फादर फिगर या फिर एक पेरेंट या फिर गार्डियन की तरह वो बच्चों को वहां पे, स्टूडेंट्स को क्या करता था? गाइड करता था। अब जो गुरु है वो यहाँ पे बच्चों से कोई भी फीस चार्ज नहीं करता था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, तो भाई जो गुरु है यहाँ पे वो बच्चों से कोई भी फीस चार्ज नहीं करता था। गुरु के लिए फीस चार्ज करना एक बहुत ही टैबू था, मतलब एक बहुत ही ऐसी बात थी कि भाई शर्म वाली बात थी। ठीक है, और जो विद्यादान है, विद्यादान को बेस्ट दान यानी यहाँ पे बेस्ट यानी बोलते हैं ना कि प्रथम, या फिर कि भाई ऐसा बहुत ही अच्छा दान माना जाता था उसको। एंड कंडेम्ड द वेरी आइडिया ऑफ सेलिंग नॉलेज, क्योंकि गुरु क्या मानते थे कि भाई नॉलेज है, अगर हमने उनसे बच्चों से फीस ले ली तो हमने अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को क्या कर दिया? बेच दिया।
ठीक है, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। अब उनका गुरुकुल चलता कैसे था भाई, डोनेशन से चलता था। जो बड़े बड़े राजा और ये जो फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं, मतलब जो मानव के बारे में अच्छा सोचते हैं फिलंथ्रोपिस्ट, वो वाले लोग जो रिच पीपल थे सोसाइटी के, उनकी दक्षिणा से यानी उनकी डोनेशन से जो है गुरुकुल चलते थे। और लास्ट में जब बच्चे की एजुकेशन, यहाँ पे स्टूडेंट की एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी, तो वो गुरुकुल को या फिर जो गुरु को कुछ यहाँ पे गिफ्ट्स ऑफर करते थे, तो उसको हम क्या बोलते थे, गुरु दक्षिणा बोलते थे। क्या बोलते थे भाई, गुरु दक्षिणा। वी आर वेरी फेमिलियर विद दीज टर्म्स, लेकिन बस बात इतनी सी है कि हम इन पे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। अब भाई जो गुरु है, गुरु के लिए शिक्षा देना एक सेल्फलेस सर्विस थी, और जो टीचर है, गुरु वॉज हेल्ड जो है टोट इन अ वेरी हाई एस्टीम। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता था गुरु का, क्यों, क्योंकि वो एक सेल्फलेस सर्विस दे रहा है सोसाइटी में। जो टीचर है उसका बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंचा दर्जा उस टाइम पे होता था। क्यों भाई, क्योंकि जो गुरु है, गुरु ने ही उस स्टूडेंट को या फिर हम सबको जीने लायक और एक अच्छे से समाज में इंटरेक्ट करने लायक जो है, हमें गुरु ही बनाता है। तो इसलिए, और स्पेशली वो तो यहाँ पे फीस भी नहीं ले रहा था, तो क्या सेल्फलेस सर्विस कर रहा था, तो इसलिए जो है गुरु का बहुत ही हाई एस्टीम यानी बहुत ही ज्यादा ऊंचा दर्जा था समाज में, इवन हायर देन दैट ऑफ द गॉड्स, इवन भगवान से भी ज्यादा जो है ऊंचा उनके दर्जे को माना जाता था। ठीक है, अ ट्रू टीचर वॉज सपोज टू बी अ स्टूडेंट टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। देखो इम्पोर्टेंट है भाई ये चीज, यानी एक टीचर, एक सच्चा टीचर वो है जो अपनी जीवन के अंतिम चरणों तक क्या बना रहे, एक स्टूडेंट बना रहे, यानी एक लर्नर बना रहे, यानी वो अंतिम चरणों तक क्या रहे, कुछ सीखता रहे। ठीक है, और यहाँ पे इट इज लाइक आवर कॉन्सेप्ट ऑफ L3 टीचर। अब भाई ये L3 टीचर का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी L3 मीन्स छोटे छोटे ग्रुप्स बना देना, है ना। जैसे क्लास में हम ग्रुप्स बना देते हैं बच्चों के, दो या तीन बच्चों का एक ग्रुप बना देते हैं, उसका एक ग्रुप लीडर बना देते हैं, वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है L3 कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो टीचर है वो भी एक लाइफ लॉन्ग लर्नर रहता था, एंड टीचर को क्या माना जाता था भाई, गाइड बाय द साइड। गाइड बाय द साइड मींस जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अंतिम सांस तक, ठीक है, अपनी लाइफ के एंड मोमेंट्स तक वो गुरु की क्या करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उनके एक तरह से उनका यहाँ पे उनसे गाइडेंस हमेशा वो लेते रहते थे। तो क्या कह रहे हैं, गुरु को गाइड बाय द साइड, या फिर गुरु को या टीचर को क्या बोला है, सेज ऑन द स्टेज। सेज किसको बोलते हैं भाई, ऋषि या फिर जो मुनि होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये हुई बहुत ज्यादा एंशियंट पीरियड की बात, तो अब हम आ जाते हैं किस पे, मनुस्मृति यानी मनु के पीरियड पे आ जाते हैं। मनुस्मृति का नाम हम सबने सुना है ना, ठीक है, मनु के पीरियड पे आ जाते हैं भाई। मनु ने क्या कहा, मनु के टाइम पे जब चतुर्वर्ण क्या आ गए थे, चतुर्वर्ण आ गए थे। चतुर्वर्ण मीन्स मतलब हमने जो है अपने ऑक्यूपेशंस के बेस पे यहाँ पे सोसाइटी में क्या कर दिया था, डिवीजन कर दिया था। ठीक है, क्षत्रिय और जो हमारे वैश्य हो गए, ब्राह्मण हो गए, शूद्र हो गए, ये चार वर्णों के बारे में हम सभी को पता है। तो जब ये चार वर्ण आए, उस टाइम पे जो भी इंसान ब्राह्मण जाति में पैदा होता था वो क्या बनने लगा, गुरु बनने लगा। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था, इससे पहले गुरु कौन बनता था भाई, जिसको नॉलेज होती थी, जिसको क्या होती थी, नॉलेज होती थी, जिसने अच्छी शिक्षा ग्रहण की होती थी ना, वही गुरु बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो रहा है उसको क्या बना देते थे, गुरु बना देते थे। वेदर ही इज स्कॉलरली और नॉट, चाहे उनके पास इतनी ज्यादा नॉलेज यानी वो स्कॉलर हैं या नहीं भी हैं फिर भी। ठीक है, तो यहाँ से मतलब मनु के टाइम से टीचिंग बिकम अ फैमिली प्रोफेशन ऑफ ब्राह्मण्स ओनली। बिल्कुल भाई, जो ब्राह्मण जाति है उनका एक क्या बन गया, ये प्रोफेशन बन गया टीचिंग, उस टाइम से। किस टाइम से, मनु के टाइम से। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट जो डिस्कस कर लेते हैं, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुरु, यानी गुरु के क्या क्या रोल होते थे और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि वो बच्चों के साथ एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ स्कॉलर, मिशनरी, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की तरह वो रहते थे। यानी क्योंकि भाई बच्चे के पास पेरेंट्स तो उसके हैं नहीं, और बोर्डिंग स्कूल में एक तरह से गुरुकुल में वो रह रहा है, तो वहां पे उसको गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ठीक है, सभी चीजों के लिए कौन प्रेजेंट है, सिर्फ गुरु प्रेजेंट है। अब भाई यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या कहता है इसमें कि टीचिंग मेथड की बात कर रहा है कि उस टाइम पे जो हमारा टीचिंग मेथड है वो कैसा होता था। टीचिंग मेथड वॉज ओरल इंटरेक्शन। एग्जैक्टली, क्यों है भाई ओरल इंटरेक्शन? क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो है सिर्फ बच्चे और जो स्टूडेंट हैं उनके बीच में डायलॉग के माध्यम से पढ़ाई हो रही है। किसके माध्यम से? डायलॉग के माध्यम से, यानी जो टीचर है वो बोल बोल के बच्चों को चीजें बताते थे और जो बच्चे हैं उनको वैसे ही ग्रहण करते थे। ठीक है, लेक्चर्स होते थे, डिस्कोर्सेज होते थे, डिबेट्स होती थी, यहाँ पे डिस्कशंस की जाती थी। ठीक है, रिसाइटेशन यानी दोहराना, दो एकम दो, दो दुनी चार, ये सबने किया है बचपन में। ठीक है, तो वो क्या करते थे, एक बच्चे को खड़ा करके वो सारी क्लास उसके पीछे क्या करेगी, रिसाइट करेगी। ऐसे यहाँ पे वेद पुराण ये सारी चीजें रिसाइटेशन से ही पढ़ाई जाती थी। रिकैपिटुलेशन, क्या होता है रिकैपिटुलेशन? आप सभी ने बीएड की है, बीएड की क्लास में जब आपने टीचर ट्रेनिंग की होगी वहां पे, तो टीचर ने बोलता था कि लास्ट में अपना लेसन प्लान में रिकैप्चुलेशन रखो, यानी आपने 30 या 35 मिनट की क्लास में जो भी कराया है उसको क्या करा दो, कुछ समरी पॉइंट्स में उसको बच्चे को रिवाइज करा दो, यानी रिकैप्चुलेट करा दो। ठीक है भाई, तो ये डेली रूटीन होता था बच्चे का यहाँ पे। अब देखिए असेसमेंट की बात कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसकी बात कर रहा है, असेसमेंट की बात कर रहा है। असेसमेंट कैसी होती थी भाई? असेसमेंट भी यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती थी। और भाई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यहाँ पे की जा रही है और वो इंटरनली गुरु के द्वारा ही की जा रही है। दैट मीन्स बच्चे को 6 महीने के एक एंड में और यहाँ पे एक टर्म के एंड में बिठा के ऐसे राइटिंग वाले जो है पेपर नहीं लिए जाते थे। क्या होता था यहाँ पे, कोई भी टर्मिनल एग्जाम यहाँ पे नहीं होते थे। कैसी असेसमेंट होगी? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, यानी जो गुरु है वो पूरे साल बच्चे को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो, उसको कुछ टास्क दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और फिर उसके बेसिस पे वो एंड में अनाउंस करेंगे कि ये बच्चा इस क्लास में जो है वो पास हुआ या नहीं हुआ। कोई डिग्री सर्टिफिकेट्स यहाँ पे नहीं दिए जाते थे, बट अनाउंसिंग बाय द गुरु इन द कॉन्वोकेशन। लेकिन क्या कह रहे हैं कि लास्ट में जब हमारा कोर्स खत्म हो गया, कॉन्वोकेशन की जाती थी। कॉन्वोकेशन यानी सारे बच्चों को बिठा के वहां पे कुछ और अदर टीचर्स को बुलाया जाएगा, कुछ अदर स्कॉलर मेंबर्स को बुलाया जाएगा सोसाइटी के। ठीक है, कुछ ज्ञानविद आते थे और वहां पे या तो वे बच्चों से क्वेश्चंस करते थे या उनके बीच में डिबेट कराई जाती थी, दैट मीन्स टू प्रूव देमसेल्व्स। और या फिर क्या होता था यहाँ पे कुछ हमारे कॉन्टेस्ट होते थे, तो इनके बेसिस पे जो है गुरु यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बेसिस पे भी और साथ में जो पूरी साल जो गुरु ने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव हमारा असेसमेंट किया, उसके बेसिस पे यहाँ पे गुरु क्या कर देते थे, अनाउंस कर देते थे कि भाई ये बच्चा जो है फर्दर क्लास के लिए क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पे क्या थी, अनुमति थी, क्या कर ले वो, अपना गुरु खुद चूज वो कर सकता था और साथ ही साथ वो अपना सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी खुद यहाँ पे चूज कर सकता था। ऑटोनॉमी यानी उसको क्या थी, फ्रीडम थी बच्चे को। क्या फ्रीडम थी बच्चे को, कि वो अपना गुरु भी खुद चूज कर सकता था और जो सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं वो भी खुद चूज वो कर सकता था। और साथ ही साथ जो गुरु था ना वो भी, उसके पास भी ये फ्रीडम होती थी कि वो उस बच्चे को पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, दैट मीन्स वो उसको अपना शिष्य बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, प्रीरोगेटिव होता है कि भाई जो गुरु है ये उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वर फॉर्मली गॉट एस्टेब्लिश्ड, कब हुए थे? अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मली कब एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया गया था, वो था बुद्धिस्ट पीरियड में। कौन से पीरियड में भाई, जो गौतम बुद्ध थे उनके पीरियड में यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मली एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया गया था। किसमें? मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में। बिल्कुल, मतलब सबसे पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया गया यहाँ पे, मोनेस्ट्रीज यानी जो मठ होते हैं, टेम्पल यानी जो मंदिर होते हैं, उनमें यहाँ पे इनको स्टार्ट किया गया था। और इनको क्या बोलते थे, एक तरह से हिंदू गुरुकुल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज बाद में इनको बना दिया गया था। अब देखिए भाई क्या कहता है कि 3 फंक्शन होते थे उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज बनी थी वहां पे, क्या क्या थे उनके 3 फंक्शन, एक तो टीचिंग, फिर दूसरा है रिसर्च कर सकते थे वहां पे बच्चे, और एक्सटेंशन यानी
जो हमारे जो यूनिवर्सिटी है उससे भी कुछ यहाँ पे एक्सटेंशन थी, यानी उसके फर्दर भी अगर उनको कुछ पढ़ाई करनी है तो वहां भी जो है भेजा जा सकता था स्टूडेंट्स को। फिर क्या कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी है उसमें जो एडमिशन होता था वो किसके माध्यम से होता था, एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होता था, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देना है, वो क्या है, तक्षशिला, बिल्कुल। अगर आप सभी ने चाणक्य देखा होगा, चाणक्य एक पूरा ये सीरियल आता था, शायद अब भी आता है नेशनल टीवी पे, तो वहां पे तक्षशिला का, नालंदा का, विक्रमशिला का, इन सब का, वल्लभी, इन सब का आपको क्या मिल जाएगा, जिक्र मिल जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा आता है नदिया, कांची एंड बनारस, ये भी क्या है, हमारी यूनिवर्सिटीज है भाई, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये तो बात हुई बुद्धा टाइम की। फिर उसके बाद अगर मेडिवल पीरियड की हम बात करें, किसकी, मेडिवल पीरियड की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे मकतब्स फॉर लोअर एजुकेशन एंड मदरसाज फॉर हायर एजुकेशन, यानी जो हमारी इस्लामिक एजुकेशन है वो भी साथ साथ क्या कर रही थी भाई, वो भी एजुकेशनल, उनका भी एजुकेशनल सिस्टम हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा था। तो एस्टेब्लिश हो रहा था वो कैसे हो रहा था, कि लोअर जो एजुकेशन है वो मकतब्स में दी जा रही थी और हायर एजुकेशन मदरसों में दी जा रही थी, ठीक है। और इनको एस्टेब्लिश किया गया किसमें, मॉस्क यानी मस्जिदों में, क्या इम्पार्ट करने के लिए, रिलीजियस इस्लामिक एजुकेशन यहाँ पे ये देते थे। और यहाँ पे हमारे जो टीचर्स हैं वो कौन होते थे भाई, मुल्लाज एंड मौलवीज, मुल्लाज एंड मौलवीज यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देते थे। और वो कैसी एजुकेशन, रिलीजियसली जो हमारे इनके इस्लाम धर्म से रिलेटेड जो एजुकेशन रहेगी वो एजुकेशन यहाँ पे दी जाती थी। तो भाई अब देख लेते हैं कि अब तो ये तो हुए हमारे एंशियंट टाइम्स के, मेडिवल टाइम्स की बातें, अब प्रोफेशनल टीचर का आज क्या रोल है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेट्स डिस्कस इट क्विकली, फिर उसके बाद सेशन को हम समअप करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आज का जो टीचर है हमारा, मॉडर्न टाइम का जो टीचर है, उसको ओपन एंड पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वो पॉजिटिवली बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे, पॉजिटिवली अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ भी वो एक पॉजिटिव तरीके से, एक ऑप्टिमिस्टिक तरीके से वो क्या करे, इंटरेक्ट करे। टीचर को एक अफेक्टिव कम्युनिकेटर होना चाहिए भाई, क्यों होना चाहिए टीचर को एक अफेक्टिव कम्युनिकेटर। मान लो आज हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, ठीक है, और मैं आप तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाई, दैट मीन्स मैं अपना कम्युनिकेशन अफेक्टिवली आप तक नहीं पहुंचा पाई अपने विचार, तो क्या उस डिस्कशन का कोई फायदा होगा। हमने ऐसे बहुत सारे टीचर्स को देखा है अपनी लाइफ में, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत सारे टेस्ट उन्होंने क्लियर किए होते हैं, लेकिन वो अपनी बात को अच्छे से बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है भाई पॉइंट, कि जो टीचर है उसको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, एक एम्पथेटिक मैनर में, यानी बच्चे उससे डरे ना अपनी बातें कहते हुए, ठीक है। अगर वो अच्छा लिसनर होगा तो बच्चे अपनी बातें उनसे अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है भाई। टीचर को ऑनेस्ट, ओपन एंड ऑथेंटिक होना चाहिए दूसरों के साथ। फिर दूसरी बात भाई, सारी चीजें, कि उनको पॉजिटिव एक वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पे मेंटेन करना आना चाहिए, उनको हमेशा एंथुजियास्टिक रहना चाहिए बच्चों के साथ, मोटिवेटेड रहना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए टीचर के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं भाई, उन टीचर को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, टीचर को कंस्ट्रक्टिव होना पड़ता है थॉट एक्शंस में। कैसे होगा टीचर कंस्ट्रक्टिव, जब टीचर क्या करेगा, बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज, उनको ऐसी फैसिलिटेशन, यानी उनको ऐसे माध्यम देगा बच्चों को, जब बच्चे क्या है, अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके, ठीक है। टीचर को भाई कंपैशनेट होना चाहिए बच्चों के प्रति, केयरिंग होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, यानी बच्चों की सिचुएशन को समझना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, ठीक है। नॉलेजेबल तो टीचर को होना ही पड़ेगा भाई, अपने सब्जेक्ट की तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और क्रिएटिव और वर्सेटाइल जो है टीचर, यहाँ पे आज के जमाने में टीचर को होना ही पड़ता है और होना भी चाहिए। तो भाई आज की हमारी इस वीडियो में हम जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका जो फर्दर कंटेंट है आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, ऑलमोस्ट 14 पेजेस यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल एक शानदार वीडियो में, एंड तब तक के लिए टेक केयर।